सो हे एवरी वन कैसे हो आप सभी आई होप यू लव वेरी वेल तो मैं हूँ पर हूं फॉर्म लर्नो हब द फ्री लर्निंग जहाँ पर आप पढ़ सकते हो मैं साइन स्टेप लर्न हब डॉट कॉम तो चलिए बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स आई मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है और जिसमें आज हम कवर कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज ट्वेंटी बी यानी इसके पहले एक्सरसाइज ट्वेंटी ए जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है तो जिस तभी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और तो लेट्स गेट स्टार्ट तो आज की क्लास की जो शुभारंभ कर रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक दैट इज और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज ट्रैपेजियम अब ट्रैपेजियम क्या होता है ट्रैपेजियम कुछ होता होगा ना क्या होता है उसी को हम देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर ऑब्वियसली बिकॉज ये टाइप ही है क्वाड्रिलेटरल का इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैल जिसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैल होता है और दूसरा जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो नॉन पैल होता है जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है कैसे देखो ये फिगर है इस फिगर में हैं मतलब चार साइड्स बिल्कुल मैम ए बी सी डी अगर हम ए बी और सी डी को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के है यानी ये कभी एक दूसरे से मिलने नहीं वाली है ठीक है तो ये दोनों पैरेलल हैं वहीं पर जो दूसरा पेयर ऑफ साइड्स है जो कि आपका ए डी एंड बी सी है वो आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ यानी ये कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी मिल जाएंगी यानी ये क्या हो जाएंगी नॉन पैल हो जाएंगी तो यहां पर एक जो पेयर ऑफ साइड है वो पैल रहता है ट्रेपिजियम में दूसरा नहीं रहता है क्लियर है तो ये तो पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई है ट्रेपिजियम की ओके okay. अब ट्रैफिक का कभी रियल लाइफ में कहीं देखा है यस yes, देखा है कहाँ पर मूवी थिएटर गए थे पॉपकॉर्न लेने गए थे कुछ ऐसा बॉक्स मिल गया जिसको हमने देखा तो इट इज़ द काइंड ऑफ अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और हमने जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया तो हमें मालूम पढ़ा कि इसका जो तो शेप है दैट इज समहाउ लाइक दिस ऐसा कुछ है तो ये दोनों साइड्स क्या हाँ है पैरेलल है और ये दोनों नहीं है यानी ये तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपिम निकला है ना वही पर आपके घर के लैंप लैंप में कितना खूबसूरत ऐसा बना होता है जिसको तो देख के कोई भी कह देगा कि यार ये तो ट्रेपिजियम ही है बिकॉज इसकी ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल है और ये दोनों नहीं है यानी इट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेट्रल विच हम्म ट्रेपेजियम क्लियर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अब जब हम इतना देख ही रहे हैं कि हाँ ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें दो साइड्स जो है वो पैल होती हैं दो एक पेयर ऑफ साइड्स और दूसरा पेयर ऑफ साइड्स जो है जो कि नॉन पैल होता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेपेजियम के इस, आ, ए बी सी डी में जो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 360 डिग्री यानी क्या बोल रहे हैं ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी वो भी इंटीरियर एंगल वो हमेशा ही 360 डिग्री के बराबर होंगे और इस पॉइंट को हमेशा ही आपको अपने दिमाग में छाप के रखना है है ना परमानेंट स्टोर करके रखना है क्लियर है चलिए तो चलिए बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपिजियम दैट इज द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज वन डिग्री जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब जो ये ट्रेपेजियम है मान लेते हैं ये वाला ट्रेपेजियम तो इसमें ये ए बी इज पैरल टू सी डी है ना अब यहाँ पर आपके पास क्या बोला है कि जो को इंटीरियर एंगल से यानी एक ही लाइन पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं यानी एंगल ए और एंगल डी ये और एंगल बी और एंगल सी इनका जो सम है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 180 डिग्री तो वही लिखा है एंगल ए प्लस एंगल डी विच इज़ योर को इंटीरियर एंगल्स इनका सम किसके बराबर है 180 डिग्री के जो ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम किसके बराबर है वन डिग्री के एंगल बी और एंगल सी का भी सम किसके बराबर है वन डिग्री के बराबर है क्लियर हो गया है

ट्रेपेजियम की तो उसको हम क्या कह देते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल बोल देते हैं ठीक है यानी क्या क्या रहे हैं कि मान लो कि ए बी सी एंड डी है तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के ट्रेपेजियम है और दो पेयर्स ऑफ जो साइड्स हैं वो पैलल नहीं होंगे नॉन पैरल होंगे लेकिन फॉर द केस ऑफ आइसोसेल ट्रेंग ट्रेपेजियम देन ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करेंगे कि अगर हमारे पास आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है जैसा कि ये है जिसमें आपके पास दो साइड्स तो पैरल हैं और जो वो बाकी जो नॉन पैरल साइड्स थी वो बराबर है लेंथ में ठीक है तो आपके पास यहाँ पे ए बी इज पैरल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑल्सो इन आईसो सेल एस ट्रेपेजियम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी साथ ही में आपने पढ़ा हुआ है ट्रेपेजियम के लिए कि अगर आपके कोई इंटीरियर एंगल्स है दैन का सम किसके बराबर होता है वन एट्टी डिग्री के बराबर होता है तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू डिग्री ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उन्हीं को फिर से लिखती जा रही हूं अब साथ ही में यहां पर जो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए गए बाय द डॉटेड लाइन तो आपको क्या होगा कि जो ए सी की जो लेंथ है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस भी बराबर हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो बराबर होंगे हम्म तो चलिए बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो भी अभी तक हमने पढ़े तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज द इन ट्रिपिजियम ए बी सी डी साइड बी सी इज़ पैरल टू साइड ए डी एंड इफ एंगल डी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री एंड फाइंड द एंगल सी आपको निकालना क्या है एंगल सी ए बी सी डी इज हे द फिगर इज दे अब यहाँ पर एंगल डी आपको दिया गया है आपको ये एंगल सी निकाला है साथ ही में बोला गया है कि जो साइड बी सी है दैट इज़ पैरल टू एडी अब ये क्या है आपका ट्रपेज़ियम है बिकॉज़ एक पेयर जो साइड का है वो पैरेलल है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल तो व्हेन जब हम जब पढ़ रहे थे ट्रपेज़ियम तो वहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा यानी एंगल सी प्लस एंगल डी ये अगर डी हमें दी है तो इसका कोई इंटीरियर एंगल एंगल सी है क्योंकि एंगल सी हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू एट्टी डिग्री तो क्या हमने जो हमें निकालना था ये एंगल सी हमने अचीव कर लिया तो यहीं पर ये क्वेश्चन हम फिनिश कर देंगे और ये हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज की है ट्रिपिलियम की क्लियर है बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की जिसमें बोला है कि एंगल बी ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रिपिजियम ए बी सी डी इज एट्टी टू डिग्री सो हेयर इज योर फिगर दैट ए बी सी डी तो एंगल बी आपको दिया गया है एट्टी टू डिग्री और बोला गया है कि ये जो ट्रिपेजियम है दैट इज योर आइसोसेलिस ट्रिपिलियम यानी ये ये जो साइड है ये बराबर होगी और ये दोनों पैरेलल होंगी फाइन एंगल्स ए सी एंड डी आपको ये निकालना है सो इन द केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आई ऑलरेडी मेंशन सम प्रॉपर्टीज दैट एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बी तो एंगल ए यहां से निकल आएगा एंगल बी तो आपको दिया ही गया 82 degree, है डिग्री ठीक है एंगल ए आ गया एंगल ए हमने डन कर लिया नाउ को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री तो यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल बी है दैट इज़ योर 82 डिग्री प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री एंड दिस इज़ योर 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 7 यानी 17 में से 8 गया कितना बचेगा बच्चों 98 यानी एंगल सी क्या आ गया आपका 98 डिग्री तो यानी ये भी आपने निकाल लिया अब जैसे ही एंगल सी मिला तो हमें पता है कि एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी यानी वो भी हो गया 98 डिग्री यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया है बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वारलेटर दैट इज योर पैलोग्राम और पैलोग्राम क्या है एक टाइप ऑफ अ क्वारेटर है जिसमें दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड्स के वो दोनों ही पैरेलल है वेयर एज इन केस ऑफ अ ट्रेपेजियम द ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और अदर दोनों नहीं थे तो यहां पर जो फिगर आपको दिख रहा है तो उसमें ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल हो जाते हैं इन केस ऑफ अ पैलोग्राम अगर मैं इसका नाम दूं ए बी C and D. So here AB is parallel to CD and AD is also parallel to BC in case of a parallelogram. Clear है यहाँ तक की बात? अब भाई parallelogram में जब ये दोनों sides opposite sides जो हैं वो बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि AB is also equal to CD and AD is also equal to BC. That means opposite sides जो हैं इस parallelogram में वो बराबर होती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं इन केस ऑफ अ पैरोग्राफ तो अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी क्लियर है अभी यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली पैलोग्राम के अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब पैलोग्राम में ही एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजस्टेड एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ आल्सो इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180 एटी डिग्री दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम अब ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है पैलोग्राम की अगर दोनों डायगोनल्स बाइसेकट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर तो यहाँ पर जो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ये आपका हाफ होगा इस पूरे लेंथ का दैट इज हाफ ऑफ ए सी सिमिलरली ओ डी इज इक्वल टू ओ बी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं पैरलोग्राम की तो आपने सारे पॉइंट्स पैलोग्राम के पढ़ लिए अब जो भी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सारे अप्लाई होंगे तो प्लीज़ इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ के दिमाग में रख लेना ठीक है अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी ना पैलोग्राम की वो सारी आपके आ जाएंगी दैट बर्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स बाई ईच अदर ठीक है अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस कर ली उनके बेस्ड पहला एग्जाम्पल आता है जिसमें इन पैलोग्राम ए बी सी डी सो so दिस इज योर पैलोग्राम ए बी सी डी जिसमें आपको देखेगा कि ये भी बराबर ए भी बराबर ठीक है ओके okay. अब यहां पर एंगल ए आपको ऑलरेडी गिवन है सेवेंटी फाइव डिग्री देन यू हैव टू फाइंड बी सी डी अब अगर एंगल बी निकाले पहले तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि दैट एजिस एंगल्स आर, आर सप्लीमेंट्री then angle A plus angle B is equal to 180 degree and angle A is 75 degree plus angle B is equal to 180 degree. So angle B कितना आ जाएगा 180 degree minus 75 degree. That is five. तो ये आ गया आपका 105. अब अगर आपका angle B 105 आ गया और आपने एक property और पढ़ी थी that opposite angles are equal तो अगर एंगल बी आपका 105 डिग्री है, तो एंगल डी भी उसके बराबर तो 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 जो अभी हमने डिस्कस की थी है ना अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए बात करेंगे अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट तो इज तो योर रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल का फिगर तो सभी जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है कि रेक्टल इज ऑल्सो

So, now the first property about the rectangle is each angle is 90 degree. So, if I give name to A, B, C and D then you can say angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. The first property is done. Now, the second property about the rectangle is opposite sides are equal. Whatever opposite sides say any A, B is equal to C, D एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी अबाउट अ रैक्टेंगल चलिए बात करेंगे अब हम थर्ड पॉइंट की जिसमें बोला है कि अपोजिट साइड्स आर पैरल अब यहाँ पर इस रैक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगे पैरल यानि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ए बी इज पैरल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरल टू बी सी दैट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी नाउ कम टू द फोर्थ वन तो यहाँ पर है कि डायगोनस जो है वो बराबर होंगे डायगोनो कैसे फॉर्म होंगे अपोजिट वॉक्ट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर जो डायगोनल आपका बना ए सी एंड बी डी वो दोनों ही बराबर होंगे इनकेस ऑफ अटेंगल नाउ द फिफ्थ वन इज द डायगोनस बाइसेक्ट ई चौदह मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे जो ये ए बी सी एंड डी है अगर इसके जो तो डायगोनल्स हमने फॉर्म किए हैं अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ओ देन यू कैन से ओ ए इज इक्वल टू ए सी विच इज योर हाफ ऑफ ए सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी विच इज हाफ ऑफ बी डी तो ये भी हमारा क्या हो गया ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई रेक्टेंगल की अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पर उसमें बोला है द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ क्वाड्रिलटर विथ ईच एंगल इक्वल टू एक्स अब ये जो फिगर है ना ये क्वाड्रिलेटर बता रहा है और इसमें जो सारे एंगल्स हैं वो आपके एक्स हैं शो दैट द क्वाडिलेटर इज अ रेक्टेंगल अब ये जो क्वाडिलेटल है ये रेक्टेंगल है ये हमें शो करना है अब ये सारे एंगल्स अगर एक्स है और हमें रेक्टेंगल बताना है तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स क्या होने चाहिए नाइनटी डिग्री होने चाहिए अगर ये नाइनटी डिग्री आ जाते हैं सारे एंगल्स तो देन यू कैन से दिस क्वाडिलेटर इज अरेगल अब इसको कैसे करोगे आपने पढ़ा था क्वाड्रिलेटर में द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा यानी x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस प्लस x degree plus x डिग्री डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री दैट इज योर अब चार बार अगर x आ रहा है दैट मींस 4x इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री सो एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुई है डिग्री लगाना ही नहीं है क्यों नहीं लगाना है क्योंकि हमको सारे एंगल्स की जो वैल्यू है वो x दी गई है तो x कितना आ गया नाइन्टी डिग्री यानी सारे एंगल्स क्या हो गए नाइन्टी डिग्री अब सारे एंगल अगर नाइन्टी डिग्री हो जाते हैं किसी भी क्वाड के दैट मीन्स दिस इज़ योर Rectangle. क्यों है रीजन आप लिख देना बिकॉज ईच एंगल इज नाइंटी डिग्री इन दिस क्वाडरलेटल सो दिस क्वार इज अ रेक्टेंगल क्लियर है बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करेंगे अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटल दैट इज योर रोमबस अब ये रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रेटल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल जिसमें सारी साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी सारी साइड्स इक्वल होंगी अब अगर इसी रोम्बस में और हम डिटेल में जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए सी एंड बी डी 90 डिग्री इन केस ऑफ रोमबस ये अगर आपने इसका नाम दिया ए बी सी एंड डी और इसका आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो डायगोनल ए सी एंड बी डी जो है वो एक दूसरे को बाइसेकट कर रहे हैं नाइन्टी डिग्री में उसके पहले क्या पढ़ा कि सारी साइज़ जो है वो बराबर है यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए डी अब आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हो कि जो डायगोनल्स ने बाइसेकट करा अगर मान लेते हैं एक पॉइंट ओ पर बाइसेकट कर रहे हैं तो जो बाइसेकट कर रहे हैं वो नाइन्टी डिग्री पर बाइसेकट कर रहे हैं यानी सारे एंगल्स जो हैं वो नाइन्टी डिग्री बनेंगे जहाँ पर इन्होंने डायगोनल्स ने, ने बाइसेकट करा है यानी एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल एडी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी की नाउ कम टू द वन जिसमें बोला गया है कि द द एंगल एट वर्टेक्स अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि डायगनल जो है वो बाइसेकट कर रहे हैं एंगल को एक वर्टे उसका जो वर्टेक्स है उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं अब ये डायगोनल से इसी जा रहा है अगर इस वर्टेक्स ए की बात करें तो यहाँ पर ये यह डायगोनल जब बनाया गया है तो ये इस वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी सिमिलरली अगर हम बी वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी ये बराबर होगा सी वर्टेक्स की बात करोगे तो वहां पर भी बराबर होगा अगर हम बी की भी बात कर ले तो क्या होगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए तो ऐसे ही जितने भी वर्टेक्स से डायगोनल जा रहा है वो उस बर्टेक्स को बाइसेट कर रहा है क्लियर है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस जिसमें बोला है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं यहाँ पर वो बराबर होंगे अगर इस रोमबस का नाम है ए बी सी डी इसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी साथ ही में एडजस्टिड एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंग तो ये सारी हो गई अब 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 हमारी की अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। आपके पास आता है में कि रेक्टेंगल गिव रीजन क्या रोमबस जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है रोमबस हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा है ना? और रैक्टेंगल कुछ इस तरीके का था रैक्टेंगल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि सारे एंगल इसके जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं लेकिन रोमबस में ऐसा कुछ नहीं होता है रोमबस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, बट वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं एंगल्स तो हम लिख देंगे नो रोम्बस इज नॉट अटेंगल एज इन रैक्टेंगल Each angle is 90 degree and also diagonals are equal in case of रैक्टेंगल रेक्टेंगल के केस में जो डाइगोनल है वो भी हमारे बराबर होते थे बट इन केस ऑफ अ रोम्बस ये यहाँ पर ट्रू नहीं होता है तो इसीलिए रोमबस जो है वो कभी भी रैक्टेंगल नहीं हो सकता है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए हम बात करने वाले हैं अब स्क्वायर की तो स्क्वायर इज अनदर टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटल और तो क्या होता है स्क्वायर इज जस्ट लाइक दिस वन है ना ऐसा ही होता है लेकिन ये होता क्या है कि इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल सारी साइड्स क्या यहाँ पर

जो डायगोनल्स हैं यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं इन स्क्वायर तो डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ अ स्क्वायर तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे स्क्वायर के अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की फिर हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की अब साथ ही में हमने क्या देखा कि भाई स्क्वायर में जो डायगोनल है बराबर है साथ में ये जो बाइसेकट करते हैं वो नाइंटी डिग्री पर बाइसेकट करते हैं यानी ये डाइगनस जो बराबर है ये किस पे बाइसेक्ट करते हैं सारे एंगल्स क्या बनाते हैं बाइसेकट होने के बाद नाइन्टी डिग्री बनाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी किसकी हो गई स्क्वायर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स दें हम बात करेंगे एक्सरसाइज की चलिए बात करेंगे अब हम एग्जांपल की जिसमें बोला है द पैरामीटर सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर जो सारे स्क्वायर uh, की साइड्स का जो सम है वो 24 सेंटीमीटर दिया है तो आपको सारी साइड्स निकालनी है फिर बताना है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल अब स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है फोर तो आपको क्या दिया गया है द सम ऑफ Four sides is equal to 24 centimeter to so sum of तो यहां से स्क्वायर की वन साइड का कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन फोर गिव्स यू द रिजल्ट सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर आ जाएगा साइड्स तो यहां पर हर साइड किसके बराबर हो गई सिक्स सेंटीमीटरियर एंग ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी इन स्क्वायर स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है तो आप वो यहाँ पर लिख दोगे कि ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री यानी ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की जिसमें बोला है किस डेम स्क्वायर इज पी क्यू आर एस तो यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है अब ना होता है ठीक है पी क्यू की वैल्यू हमें दी है थ्री एक्स माइनस सेवन क्यू आर है आपका एक्स प्लस थ्री इसको सॉल्व करोगे लाइक टर्म्स थ्री एक्स माइनस एक्स थ्री प्लस सेवन टू एक्स इज इक्वल टू टेन एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अब जैसे एक्स की वैल्यू में फाइव सेंटीमीटर मिल गई अब हमें बोला क्या गया है कि आपको निकालना क्या है यहाँ पे पी एस निकालना है है ना यही बोला है अब अगर आपको पी एस निकालना है तो उसके पहले आप कोई भी साइड की वैल्यू निकालोगे ना क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो पी एस की भी वैल्यू वही होगी तो पी क्यू क्या आएगा जैसे आपने एक्स की वैल्यू रखी थ्री मल्टीप्लाई फाइव माइनस सेवन दैट इज फिफ्टीन माइनस सेवन दैट गिवस यू एट सेंटीमीटर ठीक है अब आप क्यू आर निकालोगे तो क्यू आर हो जाएगा x प्लस थ्री यानी फाइव प्लस थ्री विच इज ऑल्सो एट सेंटीमीटर सो पी एस बी क्या होगा एट सेंटीमीटर सिंस इट इज अ स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज ट्वेंटी बी पर जिसमें बोला है पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नंबर क्या है सेकंड यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्केप हो रहे हैं दट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय ये और तो इसमें क्या है ना ट्रिपिलजियम ए बी सी डी दिस इज योर ट्रापिलजियम ए बी सी डी बोला गया है कि साइड ए बी जो है वो पैनल है साइड डी सी के और यहाँ पर बोला है कि अगर ए की वैल्यू अगर एक्स डिग्री एंगल ए जो है और डी एंगल डी जो है वो थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री है आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है सिंस दिस लाइन इज़ पैनल टू दिस वन है कि नहीं ठीक है अब ट्रेपेजियम है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि को इंटीरियर जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं सो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फोर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब यहाँ पर हो गया एक्स डिग्री प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सो फोर एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सो फोर एक्स इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड डिग्री एक्स इज Equal to 50 डिग्री तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 डिग्री अब आपको निकालना है? क्या है x की वैल्यू निकाली थी आपने निकाल ली आपने आंसर बता दिया और इनके हिसाब से पूछा जाए कि एंगल a क्या है तो 50 डिग्री एंगल d भी आप निकालोगे भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हम्म बढ़ते हैं नेक्स्ट तो चलिए बात करेंगे हम 20

trapezium is equal yani ac is equal to bd और x इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एट और x माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस एट माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एट नेगेटिव से नेगेटिव गया x की वैल्यू आ गई आपकी फोर सेंटीमीटर और यहीं पर भी ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तो चलिए बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेवन की जिसमें बोला है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर हंड्रेड डिग्री ईच फाइंड ईच ऑफ द अदर अपोजिट टू एंगल्स पैलोग्राम यानी दोनों अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स जो हैं वो हैं मेरे बिना स्केल का बन रहा है तो आप प्लीज इसको सही कर लेना ए बी सी एंड डी अब क्या बोला है दो अपोजिट एंगल मान लो कि ये 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है फाइंड ईच ऑफ द अदर टू अपोजिट एंगल्स ठीक है तो अब हम जानते हैं पैलोग्राम में कि जो एडजस्टिड एंगल्स हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री बनाते हैं पेयर्स तो ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री ये हमने पढ़ा था तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ए अगर 100 डिग्री है तो एंगल बी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाता है अब जैसे एंगल बी 80 डिग्री आ गया तो ये भी

ठीक है तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल ए इज नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई नाइन्टी डिग्री ठीक है अब आप जानते हो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी विच इज ऑल्सो नाइंटी डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज ऑल्सो नाइंटी डिग्री यानी सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री अब पूछा गया है कि राइट द स्पेशल नेम ऑफ अ पेलोग्राम सिर्फ इफ ऑल द एंगल्स ऑफ एंड पेलोग्राम ऑफ अ पेलोग्राम इज 90 डिग्री देवर इट इट बिकम रेक्टेंगल तो क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाडिलेटल एंड नाइन्टी डिग्री ईच शो दैट द गिवन क्वारिलेटल इज अ रेक्टेंगल ओके तो थ्री एंगल्स आपको क्वारिलेटल के दिए हैं तो आप जानते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री अब क्वाड्रिलेटरल में चार इंटीरियर एंगल होते हैं जिसमें से तीन हमें पता है तो हम मान लेते हैं कि लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स तो अब क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी प्लस नाइन्टी इज़ वन एटी वन एट्टी प्लस नाइन्टी इज़ टू सेवेंटी डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस टू सेवेंटी डिग्री दैट गिव्स यू द रिजल्ट 90 डिग्री यानी एक्स क्या आ गया आपका 90 डिग्री यानी जो फोर्थ एंगल है वो भी 90 डिग्री आ गया अब सारे एंगल क्या हो गए आपके 90 डिग्री सो ईच एंगल इज 90 डिग्री देयर फोर दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल तो यानी इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है बढ़ते हैं तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही है और आपको आ गया है मजा पढ़ के अब जैसा कि आप जानते हैं, हो लर्नो फ्री है पर बेस्ट है तो थैंक यू स्टूडेंट्स